आइए हम भीतर की इस खोज तलाश में इस राह पर उतरे, सुरती को जगमगाए, लगातार भीतर की ओर जागे जागे देखते रहना। देखना स्वाभाविक हो, कोई कोशिश ना की जाए, कदाचित भी कोई यत्न प्रयास कोशिश नहीं करना, स्वाभाविक रूप में पलके मूंदते ही देखना उद्घाटित हो जाता है, देखना शुरू हो जाता है। भले अंधेरों से मुलाकात हो रही है, सन्नाटों से हो रही है, तुम जागे जागे हर स्थिति को, हर हालात को देखते रहना, निष्पक्ष निरपेक्ष रूप में। यू आर ए न्यूट्रल एनर्जी, सिंपली वॉच, वॉच योर माइंड, वॉच योर थॉट्स, वॉच, सिंपली वॉच, वॉच। मन से हटकर की मन की गति को देखना, थोड़ा डिस्टेंस माइंड से डेवलप करना, डिस्टेंस रखना, देखना डेवलप होता चला जाए तो सेल्फ डिस्कवरी में तनिक मात्र देर नहीं लगेगा। ये सुपर साइंस की लैब, तुझको अपना स्वरूप प्रदान करेगी, तेरा होना, तेरी एग्जिस्टेंस प्रदान करेगी। लगातार भीतर की ओर रहना। हम कितना भी माइंड में खो जाएं, विचारों में खो जाएं, कितना भी पास्ट में खो जाएं, फ्यूचर में खो जाएं, तनिक मात्र प्रवाह ना करना, निराश नहीं होना। आदतवश, ड्यू टू हैबिट्स, हम माइंड से जुड़े रहते हैं, जुड़ गए हैं, माइंड ही हो गए हैं हमारी सबसे बड़ी अज्ञानता, विद्या, इग्नोरेंस यही है कि हमें मालूम नहीं। हाँ, माइंड हो गए। वेस्टर्न फिलोसफी माइंड तक गए, ईस्टर्न फिलोसफी पर्टिकुलरली फिलोसफी ऑफ लाइफ इन इंडिया इज बियॉन्ड माइंड अवेलेबल इन एवरी फॉर्म इन साइड। इट डील्स विद दी एक्सिस्टेंस। योर ट्रू नेचर इज टू वॉच ओनली, बी वॉचफुल। किसी भी थॉट को देखते ही थॉट डिसअपीयर होता है। अगर वो ज्यादा देर तक खड़ा है तो समझ लीजिएगा आपने बहुत लंबा शॉट लिया है, किसी सोच विचार का बहुत लंबा शॉट लिया है, इसलिए वो बहुत देर तक रुका रहता है। परंतु तुझे तो देखना है कोई कितनी देर तक रुका रहे विचार, कितना भी पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, तुझे उसमें लॉस्ट नहीं होना, तूने तो देखना है। कछु दिखाई दे, कैसा दिखाई दे, कहीं दिखाई दे, कोई दिखाई दे, हमें तो देखना है निष्पक्ष निरपेक्ष होकर के, दृष्टा साक्षी
अकर्ता हो जाना है, हमें अपने स्वभाव में लौट आना है। हमें देखने वाले देख रहे, देखना हमारा स्वभाव, देखना एकमात्र अनुभव, अपने अनुभव से जीना एकमात्र इंसानियत है। अपना आप देख लेना, अपने को देखते ही हम इंप्रूवमेंट में, सुधार में उतर जाते हैं। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने भीतर के अंधेरों को स्वीकार करता हो, अपने भीतर के अंधेरों को एंटरटेन करता हो, कदाचित नहीं। भीतर के अंधकार को भी उसी तरह दूर करने का मादा प्यास दर्द रखता है हर इंसान, जैसे बाहर के अंधेरों को दूर करने का। हो नहीं सकता कि मालूम पड़ने के पश्चात आप अपने अंधेरों को दूर नहीं करना चाहेंगे, ऐसा कदाचित नहीं हो सकता। कौन नहीं सुखद स्वस्थ जीवन जीना चाहता, कौन नहीं रिस्पेक्टफुल लाइफ लीड करना चाहता, कौन नहीं हैप्पी हेल्दी वेल्दी स्पिरिट प्राप्त करना चाहता, कौन है ऐसा जो खुशहाल नहीं होना चाहता। क्या आस्तिक क्या नास्तिक, सब सुखपूर्ण स्वस्थपूर्ण आनंदपूर्ण ऊर्जापूर्ण प्रेमपूर्ण जीना चाहता है। यही स्वभाव है हर इंसान का, और हमें बहुत सहज में, बहुत साधारण रूप में मिलता है। अपने ही भीतर जागने से हाथ लगता है। जागना किसके प्रति? अपने ही माइंड के प्रति, अपने अंधेरों के प्रति, अपने ही विचारों के प्रति जागना है। जागना ही जीवन है, जागे जागे रहना। जीने का ढंग, जीने की कला, वे ऑफ लाइफ तेरे हाथ लग जाएगी। जागते ही जीवन जगमगा उठेगा, जिसको मौत छू नहीं सकती, छीन नहीं सकती। आश्चर्यचकित होती है मौत ऐसे व्यक्ति को देख करके, जो उसके सामने से बिना उसके हाथ लगे आसमां हो रहा है। देखते रहना, देखना केवल देखना, भीतर किसी को देखना नहीं, कहीं देखना नहीं, भीतर कहीं जाना नहीं, बस बैठे बैठे तुम अपनी ओर हो जाना। जागे रहना, सेल्फ रिमेम्बरेंस में रहना। ओंकार आमीन आमन। न करो जुदा खुदारा मुझे अपनी आस्तां से, ना फिर कोई ठिकाना। बहुत ठिकाने हैं बाहर, बाहर की दुनिया के लिए, किंतु ये ठिकाना अंतस का, ये ठिकाना स्थाई परमानेंट, ये ठिकाना तुझ मालिक में, तेरे अस्तित्व में। ना फिर कोई ठिकाना, घर उठा दिया यहाँ से, तू हजार बार ठुकरा
मेरा सर यहीं झुकेगा, तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा, मेरे सर को है मोहब्बत, तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत, तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत, मेरे सर को है मोहब्बत, तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत, तेरे संगे आसतासे, तू हजार बार ठुकरा, भले ठुकरा, और मालिक भी तो डॉग को, डॉगी को कितनी बार ठुकराता है, तो क्या वो डॉग डॉगी द्वार छोड़ देता है? क्या उसकी सिंसरिटी में कोई कमी आती है? उसके समर्पण में कोई कमी आती है? एक पशु होकर की, एक जीव जंतु होकर की, एक पशु होकर की डॉग डॉगी के पास सिंसरिटी का शिखर हो, इंसान के पास नहीं। फिटे मुंह है इंसान का, पिटीफुल लाइफ, पिटीफुल लिविंग है, यह दयनीय स्थिति है, गरीबी दरिद्रता का मारा हुआ है। बाहर के शिखरों से कोई अमीर नहीं हो जाता, हालांकि वो बहुत जरूरी है, परंतु उससे कोई बादशाह नहीं हो जाता, उससे एग्जिस्टेंस नहीं मिलेगी जब तक वो मिले हुए शिखर भीतर की शिखर के निर्माण में ना उतर जाए। राजा भर्तृहरि की तरह राज ऋषि उद्दालक की तरह दधीची शिवी रंती देव की तरह वो शिखर पावर के, वो शिखर शक्तियों की कुर्सियों के, राज दरबारों की भी भीतर की शिखा को जगमगाने में उतर गई। स्वयं भगवान राम राजगति को ठुकरा करके भीतर की महान शाश्वत परंपरा को निभाने में उतर गए, अर्थात धर्म का सूर्य जगाने में उतर गए। बड़े बड़े बादशाह सम्राट जो सिकंदर आजम के हाथ नहीं लगा, वो भारत के सम्राटों के हाथ लगा। यही मिलता है शिखरों के शिखर, अपने भीतर के शिखर को न संभालेंगे तो कभी संतुष्ट नहीं हो सकते, कभी सेशिएटेड नहीं हो सकते, कभी स्वस्थ सुखद नहीं हो सकते, कभी भी बैलेंस में नहीं जी सकते, कदाचित भी शार्प नहीं हो सकते, आबाद नहीं हो सकते। तू हजार बार ठुकरा, क्या गजब कहते हैं गुरु गोरक्षनाथ के द्वार पर ग्रेटर इंडिया का बादशाह कहता है। राजा भर्तृहरि कहता है, तू हजार बार ठुकरा, ओ जीवन के मालिक, ओ जीवन दृष्टा, ओ जीवन दाता, माँ बाप तो जन्म देता है, जीवन जागा पुरुष देता है। मौत से आजाद स्वतंत्र, मौत के पार एकमात्र तत्वज्ञ पुरुष जागा पुरुष प्रदान करता है संपदा। तू हजार बार ठुकरा, मेरा सर यहीं झुकेगा, तू हजार बार ठुकरा,
मेरा सर यही झुकेगा, मेरे सर को है मोहब्बत, मेरे सर को है मोहब्बत तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत तेरे संगे आसतासे, मेरे सर को है मोहब्बत तेरे संगे आसतासे। बेकसी का आलम मेरी बेकसी का आलम आलम गुरु है मेरे बाबा मेरे मुर्शिद, जीवन के शिखर सच्चित आनंद के महान स्वरूप मेरे गुरु गोरक्षनाथ जी, आपने बहुत बार पुकारा किंतु मैंने सदा पीट दिया। आज उसी पुकार को प्राणों में उतार करके तेरे द्वार पर आया हूं, उसी पुकार का सहारा लेकर के आया हूं। मत ठुकराना मुझको ज्यादा, मेरी बेकसी का आलम मेरी बेकसी का आलम, राजा भर्तृहरि की आड़ में हम अपनी जिंदगी की व्यथा विस्तृत करें। ये केवल व्यथा राजा भर्तृहरि की नहीं हम सब की है। मेरी बेकसी का आलम कोई उनके जी से पूछे, मेरी बेकसी का आलम कोई उनके जी से पूछे, मेरी बेकसी का आलम मेरी बेकसी का आलम कोई उनसे जाके पूछे, मेरी बेकसी का आलम कोई उनसे जाके पूछे, मेरी तरह लुट गया हो जो भी छुड़ के कारवासे, मेरी तरह लुट गया अरे ओ बाबा तेरे कारवासे, मेरी तरह लुट गया हो जो भी छुड़ के कारवासे, मेरी तरह लुट गया हो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह भटक गया हो जो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह लुट गया लुट गया जो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह लुट गया हो जो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह लुट गया हो जो बिछुड़ के कारवां से, जो बिछुड़ के कारवां से तेरे ही कारवां से, जो बिछुड़ के कारवां से तेरे ही कारवां से, मेरी तरह लुट गया जो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह लुट गया द्वार से दूर तेरे कारवां को छोड़ कर गए, मैं माइंड के हाथ लग गया, मैं मास्टर के कारवां से हट करके माइंड के हाथ लगा, मेरी बिगड़ी देख ले आज, आज मैं किस मिजरेबल स्टेट में आया हूं, मुझे संभाल ले मेरे गुरुवर।
मेरी तरह लुट गया जो बिछुड़ के कारवां से, मेरी तरह लुट गया जो बिछुड़ के कारवां से। यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है, 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 यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। कि जरा लिपट के रो तेरी छाती से लिपट करके, ओ मुर्शिद तेरी छाती से लिपट करके, कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, जरा लिपट के रो तेरे संगे आसता से, जरा लिपट के रो तेरे संगे आसता से, जरा लिपट के रो तेरे संगे आसता से, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, वही मेरी बंदगी है, यही मेरी जिंदगी है, यही मेरी बंदगी है। जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, जरा लिपट के रो खुल जाए मेरा सर तेरे संगे आसता से, ये जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, ये जरा लिपट के रो, ये है अनन्य प्रेम तेरे संगे आसता से। प्रेम डरता नहीं, घबराता नहीं, प्रेम भयभीत नहीं है, प्रेम एकमात्र निर्भयता है, अनन्य भाव, अनन्य प्रेम, जहां अन्य का कोई किसी प्रकार का भी महत्व नहीं, कोई अन्य का प्रवेश नहीं, कोई अन्य का कोई भी ठिकाना, कोई महत्व नहीं, अन्य की बात में, अन्य की आंख में, अन्य की नजर में कहीं किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं, अन्य की बातों में नहीं आता अनन्य प्रेम, कदाचित भी किसी के हाथ नहीं खेलता अनन्य प्रेम, अन्य अन्य से हटकर के अपने एक मुर्शिद मालिक साहिबा में, अपने सच्चे साकी में, कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, कि जरा लिपट के रो लूं तेरे संगे आसता से, कि जरा लिपट के रो तेरे संगे आसता से, ना फिर कोई ठिकाना, कदाचित कहीं नहीं, ना फिर कोई ठिकाना, कर उठा दिया यहाँ से मुझको ना कोई, ना फिर कोई ठिकाना, वाहरे राजा भर्तृहरि ग्रेटर इंडिया का बादशाह, कितनी विनम्रता सरलता मिटी हुई एकमात्र भाव दशा लेकर के आया है, मिट गया शिखर ग्रेटर इंडिया का बादशाह,
ग्रेटर इंडिया का बादशाह, भारत का महान सम्राट राजा भर्तृहरि क्या गजब कहता है, ना फिर कहीं ठिकाना, ना फिर कोई ठिकाना, कर उठा दिया यहाँ से, ना फिर कोई ठिकाना, कर उठा दिया यहाँ से। खाक में मिलाकर ओ बाबा, ओ मेरे मुर्शिद, ओ मेरे साहेबा, ओ जागे पुरुष, ओ तत्वज्ञ पुरुष, ओ एनलाइटन वन, ओ मेरे मालिक, मेरे गुरुदेव गुरुवर, मेरे प्यारे प्यारे प्रेममय स्वरूप, मधुर मधुर मृदुल मृदुल प्रेम से ओतप्रोत मेरे बाबा, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे, मुझे खाक में मिलाकर मेरी खाक भी उड़ा दे। तेरे नाम पर मिटा हूँ मैं, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, मुझे अपना अलग निशान नहीं चाहिए, मुझे अपना अलग अस्तित्व नहीं चाहिए, मुझे अलग अपना नाम शान नहीं चाहिए, मुझे अलग से अपना निशान नहीं चाहिए, मुझे तेरे से अलग विलग, अलग विलग कोई अस्तित्व नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कोई निशान, कोई मेमोरियल, कोई किसी प्रकार का भी याददाश्त, मुझे अपना अस्तित्व अलग से नहीं चाहिए। क्यों? तेरे नाम पर मिटा, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, तेरे नाम पर मिटा, मुझे क्या गरज निशान से, ना फिर कोई ठिकाना, ना फिर कोई सहारा, ना कोई ठिकाना, गर यहां से उठा दिया तूने, ना फिर कोई ठिकाना, गर उठा दिया यहां से, ना फिर कोई ठिकाना, गर उठा दिया यहां से।